68 वर्षीय अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी नहीं रहे। 3 अगस्त 2022 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। हंसल मेहता ने इंस्टाग्राम पर अभिनेता की एक तस्वीर के साथ खबर साझा की और लिखा, श्रद्धांजलि मिथिलेश जी। मिथिलेश चतुर्वेदी के दामाद आशीष ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस खबर को शेयर किया और अपने ससुर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, आप दुनिया में सबसे अच्छे थे। आप मेरे ससुर नहीं बल्कि पिता थे। आपने मुझे बेटे की तरह प्यार किया। हमने एक मजबूत रिश्ता साझा किया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिल्म उद्योग के कई लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। मिथिलेश चतुर्वेदी ने ऋतिक रोशन अभिनय, कोई मिल गया, रेडी और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने 1997 में फिल्म भाई भाई से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले चतुर्वेदी ने अपनी युवा अवस्था में थिएटर में काम किया और इसे फिल्मों में अभिनय की नींव मानते थे। रंगमंच के कलाकारों ने भी चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह एक मेहनती व्यक्ति थे। फिल्मों में काम करने के बाद कई लोगों में अहंकार होता है, लेकिन चतुर्वेदी ने भूमिकाएं स्वीकार की, चाहे वह कितनी भी छोटी हो या बड़ी क्यों ना हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।